हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, दो तीन दिन से हमारा कोई ब्लॉग नहीं आया, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे, तो हम कुछ काम में बिजी हो गए थे, इस कारण दोस्तों हम लोगों ने ब्लॉग नहीं बना पाया। लेकिन आज आप लोगों के लिए हम ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग बने रहना एंड तक। हमारे वो यस दरस दोनों रहे, अभी उनका गंजा होने वाला है, बने रहने इसी वीडियो में दिखाएंगे आपको। हाँ दरस, गंजी में का लगा लियो? कैप। और तुम ये देखो, ये ज्यादा मर रहा हो दोस्तों। ये बताइयो, अब इनके बाल छोटे छोटे हैं, वह छोटे हैं, जिनके चार पांच बार इनकी गंजी हो जाए तो इनके बाल अच्छे निकले। हाँ तुम्हारे बाल अच्छे निकलो करे फिर है दरस, और तुम्हारे अच्छे निकलो करे, और तुम्हारे कैप ले, तुम तो ऐसे कर रहे, बच्चा देगी? हाँ गर्मी कितनी, गर्मी कितनी है, और देखो कितने बड़े बड़े बाल। अब छुट्टियों चल रही है, क्या दिक्कत है तुम्हारी? चलो मम्मी यहाँ पूजा करने जा रही है। अजीब भाई खिजाए रहो ऐसे, सुमा कह के क्या बनाने जा रहे हो? लेकर बैंगन, भरमा बैंगन बनाने जा रहे, मेरे मन पसंद के चावल बना लेना थोड़े। काफी दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाता। हाँ दो दिन तक हमारा झगड़ा चला, पेलम पेल बहुत बड़ा वाला, इस वजह से ब्लॉग नहीं आया। ऐसी कोई बात नहीं, सही हकीकत बताया, सही गर्मी नहीं, हकीकत गर्मी पड़ा तो ब्लॉग ही नहीं आओ। वीडियो में ना देर करते हुए चलो, दरस का कहते हैं गंजा आई। लग आराम तो बैठियो दरस, बढ़िया एकदम मस्त लगन लगी दरस की है, आराम तो गर्मी नहीं लगो कर। कैप ले अच्छी वाली है। हाँ। आराम तो कैप लगाओ करे, और ललक मेरे घने घने बार ने करे, वीडियो ना बने, चार्ज लगा दे तब गेम खेलो करियो दरस। हाँ दरस को एक फोन दे दो, हमने आराम तो गेम खेलते रहो करे, अब कहूँ जइयो ना आओ। कहाँ जाइयो? नानी घरे चले हो? बढ़िया वाली कैप ले दी है, चलियो है। देखा भाई को करो पापा ने, भाई को रो रो, देख भाई आराम है? वो तो जानते हैं बड़े बड़े बार हुई है, गर्मी पर रही लला है, लला मेरे बीमार नहीं हो, अच्छे बार नए नए जमे, अच्छे मस्त वाले दरस, तुम तो अरे यार इतने काय करे लगो दरस। हाँ? देखो बच्चों कर लगो बनते ऐसे लगा नवो बुद्धा है। कितना टकला करूं तुम्हारा, तो टकला करूं। तो दिन का एक बज रहा है, अब जाके हम देखो खाना खाने जा रहे हैं दोस्तों। आज संडे था, संडे की वजह से हम लोगों को इतना टाइम नहीं दिया किसी ने जो कि हम खाना खा लें। सुबह से ही लोग आने लगे और काफी ज्यादा आज भीड़ रही। सुलेखा तो बेचारी देखो थक गई, थक के देखो लेट गई, बुखार सा आ गया, तो इधर हमारा टकलू भाई पड़ा हुआ और ये सो रहा है। दोस्तों धूप काफी ज्यादा है, और एक एक लोग पांच पांच दस दस वीडियो बनवाते हैं यार, कम से कम सब सुबह से 100-200 लोग आएंगे, बताओ कम से कम 1000 वीडियो बनवानी पड़ेगी यार। गर्मी का टाइम है, हालत खराब हो जाएगी, हम तो सभी से हाथ जोड़ लेंगे भाई, इतना मत मेहनत करवाओ, नहीं तो हम भी नहीं किसी काबिल रहेंगे वीडियो बनाने की। सब्जी और चावल के साथ में खाएंगे भैया, हमारे तो ये फेवरेट है। तो दोस्तों आप लोग भी खाने के लिए यहाँ कूलर की हवा में आराम से बैठेंगे सुकून से। मैंने मम्मी से बोल दिया बाहर कोई भी आए बोल देना खाना खा रहे हैं, आराम से खाना खा लें तब मिलेंगे सबसे। तो बैंगन की सब्जी के साथ में चावल किस किस ने खाया दोस्तों कॉमेंट जरूर बताना, वर्मा बैंगन की सब्जी के साथ में आ जाओ खाने। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं, हम अपनी छत पर आ चुके हैं दोस्तों ठंडी हवा लेने के लिए। हालांकि हवा तो नहीं चल रही लेकिन ठंडा मौसम तो हो गया है, क्योंकि पूरा दिन समझ लो इतनी गर्मी रही, हम बता नहीं सकते बहुत ज़्यादा दोस्तों। और इधर सुलेखा देखो ये खाली बोतलों में पानी भर के फिर फ्रिज में रखने जा रही है, क्योंकि पूरा दिन ये बोतलों ही से काम चलता है, ठंडा ठंडा पानी ना पियो तब तक दिमाग भी ठंडा नहीं होता है। अब इस सारी बोतलों में पानी लगा के सुलेखा फ्रिज में रख देंगी। और इधर हमारे दोनों बच्चे देखो दोनों लेट गए हैं सेम एक जैसे, वैसे इनकी चांद गंजी करने से एक तो फायदा हुआ है, वैसे दोपहर में ये कहीं इनको ढूंढे नहीं मिलते थे कि कहाँ निकल गए, आज ये कहीं खेलने के लिए नहीं गए क्योंकि इनकी चांद पे टकला हो गया इस वजह से। पापा मेरे नए नए बार लग रहे हैं।
नहीं नहीं बाहर न करें अब। हाँ आराम से हो गए हैं बाहर, ठीक है। सरसों का तेल डालना, ठीक, मम्मी से बोल देना सरसों का तेल लगाए डेली। करो तेल। अब तुम दोबारा खेलन जाओ करियो, अब तो नहीं जाए, हमें पता है जो सरसों की वजह से नहीं जाए ना। वैसे पूरा दिन ऐसे ही इधर उधर खेलन निकल जाते, आज नहीं गए घर से, कहीं बाहर नहीं निकले, पूरा दिन घर पर ही रुके ये दोनों। तुम्हारी नया मौसी वीडियो देखें फिर हंसे ही जाके इधर से हंसुक टकला हुई हो। क्या दरस तो तुम कहा कहो नया मौसी के डिलीट कर दियो, कर कैसे दियो। खाना खा चुके हैं सुलेखा, अभी खाने में लगी उन लोग ये दोनों टकला टकला लड़ रही है। सोए जाओ कुल टाइम होएगा, सोए जाओ कुल टाइम होएगा। अरे बढ़िया पंखा देखो मस्त वाली हवा ले रहे पंखा में, ये दिन में सोए चुके दरस ऐसे देखा सोई अब वो दरस अपना ही है, देखिए दरस है दरस चेहरा दिखा दरस देख ऐसे कैसे लगा दांत ऊपर तो दांत टूटो ऐसे को सूर्य प्लेट ड्राइव वो चमक रहा है वो क्या है तो आप सभी को गुड नाइट। और दोस्तों ये ब्लॉग हम मॉर्निंग टाइम में खत्म करेंगे, तो अब हम जा रहे हैं सोने के लिए, आप लोग भी सो जाइए, गुड नाइट, मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सुबह हो गई है और बच्चे हमारे भी सो रहे हैं दोनों, देखो मच्छरदानी में पड़े हुए हैं अच्छे से, सूर्य निकल आए हैं, सुलेखा बर्तन साफ करके जा रही है। कल टाइम है वही ना उठा दूँ मैं। आया भैया भी कॉल आई तो चले वाले हैं सब तो उठो। इन दोनों सुबह की नींद दोस्तों इतनी खतरनाक होती है, एक बार जैसे उठ जाओ ना फिर दोबारा से मन होता है कि चलो फिर से थोड़ी देर के लिए लेट जाए, थोड़ी देर के चक्कर में नींद आ जाती है, फिर टाइम लग जाता है। बहुत ज़्यादा इन दिनों सुबह नींद आती है बहुत ही प्यारी, क्योंकि एकदम मस्त ठंडी हवा सुबह सुबह, इतना गर्मी भी नहीं होती है, वैसे तो पूरा दिन इतनी गर्मी ही पड़ती है। देखो दरअसल ये दोनों अभी भी सो रहे हैं, उठ नहीं रहे, मम्मी उसकी जगा रही है। उठ तो गए दरअसल, अपनी चांद चेक कर रहा है मेरे बाल निकले कि नहीं निकले। देखो फ्रेंड मेरे पापा ये लहसुन काट रहे हैं, लहसुन काट रहे हैं ऊपर जो रखो है पैकेट बंद करके रख दी, काट रहे खराब हो जाए टीन ना ऊपर पैकेट काट कर नीचे रूम में रख दी, लहसुन बहुत महंगा हो तो आप लोगों ने रेट खरीद हुए हैं। जब हम 12-13 साल के थे तो बहुत ज्यादा लहसुन कटाई करी हमने, 10 रुपया पैकेट में बहुत लहसुन काटो, 10 रुपया पैकेट हम कटाई करी लहसुन, 5 रुपये हम कटवाओ पहले, 10 रुपया 5 रुपया बहुत लोग माने रखा थे, नहीं अब तो। पहले हम दूसरे को लहसुन कटवाने जाते तो एक दिन में 5-6 पैकेट काटे आते हैं, बहुत मजदूरी करी हमने अपने बचपन में, हमारे सभी भाइयों ने करी का है, तो उस टाइम कुछ मजबूरी ऐसी थी ना, मजदूरी करन पड़ी। अभी रेट इसका बहुत ही अच्छा है लहसुन का, साल ज़्यादा तो नहीं था खेतों पर लहसुन की फसल, कमी थी हमारे यहाँ पर, लेकिन अच्छा निकला है देखो।